πλαίσιο. Ce-a pe voi, Tenerii? Au auzit pe ei. O agăi pe rog pe bolivele. Bă, și gra. अब न सिर्फ ये कि कच्ची सड़क शुरू हुई बल्कि बहुत ख़तरनाक मोड़ है। कैमरे में वीडियो में तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक उतराई भी है और फिर ऊंचाई भी है और कच्ची सड़क है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। आई एम गोइंग ऑन दिस असेंडिंग। इस चढ़ाई पे मुझे चलना है और उधर तक जाना है। उधर देखो ऊपर जो घर नज़र आते हैं, उससे आगे जाना है मुझे। देखे बाई जानेब ऊंची पहाड़, दाई जानेब इंतहाई गहराई में खाई और सामने से एक और मोटर कार आ रही है। तो एडवेंचरर्स के लिए ये एक बेहतरीन ट्रैक है। अगर आप मदियन से आते हैं तो मदियन से आप बशीग्राम तकरीबन, अगर कोई दरमियान में स्टॉप ना हो और आप मुसलसल ड्राइविंग करते रहे, तो आधे घंटे में आप जो बशीग्राम का बशीग्राम है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर आगे जो तंगी बांडा है जहाँ मैं जा रहा हूँ इस रास्ते पे, तो अब मैं बशीग्राम से आगे जा रहा हूँ तो तकरीबन ये भी 35-30 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से, तो आप तंगी बांडा पहुंच सकते हैं। यानी मदियन से लेकर तंगी बांडा तक आपका टोटल टाइम 1 घंटा लगेगा। जैसा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इंतहाई दिलफरेब मनाजिर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर, कुदरती मनाजिर, और ये यहाँ की जो घर है, जो गांव है, वो भी इंतहाई नेचुरल अंदाज़ में
मौजूद है तो आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी गांव भी एक कुदरती मंजर पेश करता है। या खो सड़क सिमटी दे कहना हाँ हाँ सादा दे दस वक्त कितना बशीग्राम से तंगी बांडा की तरफ जाते हुए ये पहला और आखिरी दुकानों का एक छोटा सा बाज़ार है, वो जहाँ चार पांच दुकानें हैं और मेरे ख्याल में ज़रूरत की चीज़ें उनके साथ मौजूद होते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो इधर से आप ले सकते हैं। दुकानदार से मैंने आगे रास्ते का मालूमात लेकर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा और खूबसूरत मनाजिर मेरे सामने आते रहे। खतरनाक है सो आई ट्राई ऑन दिस इंशाल्लाह चिदा खतरनाक है। सामने वाले ट्रैक का मैंने एक तायराना जायज़ा लिया और मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये मेरे लिए ख़तरनाक नहीं होगा, लिहाजा मैंने उस पर अपनी मोटर बाइक आगे बढ़ाया। और हालांकि ये इसलिए ख़तरनाक मुझे नज़र आ रहा था कि नीचे बहुत गहरी काई थी और ऊपर पहाड़, तो वैसे एक घबराहट इंसान में पैदा करते हैं ऐसी सूरत हाल, लेकिन ये इतना ख़तरनाक नहीं। बहरहाल मैं इन पहाड़ों में नया हूँ तो एक नए आदमी के लिए ये ज़रा मुश्किल होता है। अगर कोई एडवेंचरर हो और रिस्की आदमी हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग जो है ना इधर से इस तरह आते जाते हैं जैसे रॉकेट में बैठे हो मोटर बाइक पर आते जाते हैं, क्योंकि वो इन पहाड़ों के साथ आजमूदा है और वो इन सारे ट्रैक्स को जानते हैं कि किस तरह चढ़ाई पर जाए और किस तरह ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन हमारा वो तजुर्बा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मैं वो तजुर्बा हासिल कर रहा हूँ। I came on that track. मैं इस रास्ते पर आ गया। And now I am going a little bit ahead. मज़ा आ रहा है बस यार। अजम की चढ़ाई क्या मसाला है? चुपचाप चढ़ाई की लगा मतलब क्या है? देखिए इस सामने वाले ट्रैक को ये कैसे नज़र आता है। You
देखिए ये बहुत ही ख़तरनाक उतराई है, लेकिन मैंने तवक्कल करके इस पर उतरना शुरू किया। बहुत से ऊंची नीची ट्रैक से होते हुए आखिरकार मैं तंगी बांडा पहुंच गया। ये सामने जो है ये बशीग्राम का जो खड़ है, जिसको बशीग्राम दरिया कहा जाता है, खड़ ये लोग दरिया को कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान बहता है। तो ये बहुत बड़ा जो है ये बशीग्राम के नाम से मशहूर है। वैसे बशीग्राम जो है वो पीछे रह गया जहाँ मैंने आपको दिखाया कि बशीग्राम है। और ये मस्जिद, यहाँ एक मस्जिद है, इसके आखिरी निशानी है। तो इधर से आगे जो है मैंने मोटर बाइक को आगे चलाने का हौसला नहीं कर सका, क्योंकि आगे बहुत रास्ता मुझे ख़तरनाक नज़र आया। तो वहाँ से मैं कुछ लोगों के साथ मिल के वापस आया। लेकिन अगर आप मदियन आते हैं और आपका दिल चाहता है कि मैं किसी जगह चक्कर लगाऊं, मोटर बाइक है आपके साथ, मोटर कार है, तो आप इधर आ सकते हैं और इधर आप पिकनिक भी मना सकते हैं, फैमिली को भी ला सकते हैं। लोग जो है वो टूरिस्ट फ्रेंडली है और ताउन भी करते हैं। तो इर्द गिर्द सारे जो है ना सरसब्ज शादाब पहाड़ है, नीचे पानी बहते हैं और बहुत खूबसूरत मौसम भी है। तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। तो ये है तंगी बांडा और ये जो है यहाँ ये मस्जिद है। तो इस मस्जिद में आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और आप इधर उधर पहाड़ों में घूम भी सकते हैं, रात भी गुजार सकते हैं, कोई मसला नहीं, कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह है और ये एक ऐसी जगह है कि बहुत कम लोगों को ये मालूम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मदीना आते इधर उधर घूम के फिर वापस जाते हैं और फिर कहते हैं कि मदीना में तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं मदीना के सारे कोने कोने को आपके सामने लाऊँगा, सारे पिकनिक पॉइंट्स में पॉइंट आउट करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कुछ मज़ीद क्लिप्स इस तरफ से जाते हुए खूबसूरत आपको दिखाऊंगा और फिर मेरी वीडियो का इख्तिताम हो जाएगा। बाय बाय। अच्छा, एडवेंचर के शौकीन अफराद को मैं एक और ज़बरदस्त चीज़ यहाँ मैं बताता हूँ, और ये है कि अगर आप यहाँ से आगे जाना, यानी ये तंगी बांडा है, इससे आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो उधर आपने ट्रैकिंग करना है। तो ट्रैकिंग करते हुए आप मतलब किसी जगह तक तो गाड़ी भी जा सकते हैं, लेकिन आगे फिर पैदल जाना पड़ता है। तो अगर आप 3-4 घंटे आगे जाए, बल्कि 4-5 घंटे, तो आप उस झील को पहुंच सकते हैं जहां से ये बशीग्राम का जो दरिया है निकल कर आता है। जैसा कि महू डंड झील है, तो उसी तरह इधर भी एक झील है जिसको ये लोग डंड कहते हैं, डंड ई झील ही को कहते हैं, ठीक है। तो उधर उस डंड को आप पहुंच सकते हैं, तो उधर भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। यहाँ से मैं वापस आ गया और आगे आप देख रहे हैं बादल आसमान में। पहाड़ों के मिजाज पर मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसके मिजाज बहुत मुख्तलिफ होता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा बादल होते हैं और फिर कुछ बारिश के कतरे टपकते हैं और फिर सूरज निकल आता है। इसी तरह जो है ना, कभी कभार बादल से बहुत ज़्यादा बारिश बरसती है और आपके छुपने की जगह नहीं मिलती है इन पहाड़ों में। कभी कभार ऐसा भी होते हैं कि जलबारी भी होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है मियादम में जलबारी हुई थी और इतनी बड़ी जलबारी हुई थी, जो बड़े बड़े पत्थर थे, जैसे कि एक पाव पाव या इस मकदार से भी ज़्यादा पत्थर थे। तो उसमें 2 बच्चे हलाक भी हुए थे और एक आदमी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था। तो खौफ भी मेरे दिल में था। आगे जो बादल नज़र आते हैं, तो मैं सोच रहा था कि जितना जल्द मुमकिन हो मैं किसी आबादी में पहुंच जाऊँ, क्योंकि ये तो पहाड़ है और अगर बारिश ने यहाँ मुझे घेर लिया तो यहाँ छुपाने की जगह भी नहीं है, मैं तो गीला ही हो जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ एक घबराहट थी कि ऐसा ना हो कि वो जालबारी हो जाए, उस तरह की जालबारी जो कि पहले हुई थी और जिसने 2 बच्चों को भी हलाक किया था। तो मैं इस तरह के हालात से डर रहा था, तो इसलिए मैं जो है ना वापसी की तरफ बहुत तेज़ी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ कि जितना जल्द मुमकिन हो
मैं अपनी मकाम तक पहुंच जाऊं। रास्ते में इतनी खूबसूरत मनाजिर थे कि बावजूद जल्दी के मैं उनसे आगे नहीं जा सका, और उसकी क्लिप लेने के लिए मैं जा बजा रुकता रहा। तो आप भी इन खूबसूरत मनाजिर को देख सकते हैं। मुझे इंतहा की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने अपने साथ जो बिरयानी लाई थी तो मैंने उसको खाने लगा और कुछ खूबसूरत क्लिप्स लेके यहाँ से रवाना हो गया। शंकु के मकाम पर पहुंचकर मैंने एक बहुत बड़ा गलत फ़ैसला लिया। अब देखें ना, ऊपर आसमान में कैसे बादल है। मैंने आपको पहले बताया कि बादल के मिजाज पे मैं नहीं समझता हूँ कि कब बरसता है कभी नहीं बरसता, लेकिन इस मकाम पे पहुंच के ज़रा आगे जाके मैं बाई जानब एक खूबसूरत ट्रैक को मैंने देखा, जिसके साथ पानी भी बह रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो, ये मौका फिर मुझे नहीं मिलेगा, इस ट्रैक पे मैं एक चक्कर लेता हूँ। तो वो फैसला मेरा गलत था, क्योंकि बारिश में सिर्फ 1-2 मिनट बाकी थे और मैंने ये फैसला किया। मैंने ये नहीं सोचा था कि आगे कोई जगह मिलेगी मुझे छुपाने के लिए या नहीं मुझे छुपने के लिए, लेकिन मैंने इस सब को नज़रअंदाज करके देखे ये कि इस पुल को पहुँच कर मैं बाई जानब मोड़ने लगा। हालांकि मुझे दाई जानब अपने होटल की तरफ जाना था, लेकिन मैं बाई जानब इस ट्रैक पर चलने लगा। ऐसे हालात में उमूमन मौसमी हालात का जायज़ा लेकर कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जैसा जैसा कि मैं आगे बढ़ता रहा, 2-3 मिनट बाद बड़े बड़े जो है ना बारिश के कतरे टपकने लगे, और फौरन ऐसी बारिश शुरू हुई कि थमने का नाम ही नहीं लेता था, और कोई भी जगह छुपने के लिए नहीं थी, न मेरी मोटर बाइक और न मेरी की। और मेरे दिल में ये खौफ भी था कि अब ये इतने बड़े बड़े जालाबारी हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो उसी बारिश ने मुझे इतना गीला कर दिया, इतना ख़राब कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फौरन कैमरे और सब कुछ को मैंने एक प्लास्टिक का एक कवर था उसमें छुपा दिया, लेकिन मेरे छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, और मैं कभी इधर जाता कभी उधर जाता, और बहुत बुरी हालत थी। तो मैं आप सबको ये एक नसीहत करता हूँ कि जब भी आप इस तरह के हालात से निमटने के लिए आप अपने साथ इंतज़ामात रखें। अगर इंतज़ामात ना हो तो फिर ऐसा रिस्क मत ले, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी जालाबारी हो तो फिर इससे किस तरह हम छुप सकते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। किसी ऐसे बड़े पत्थर के नीचे भी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वाटर बहते हैं और इस तरह के हालात होते हैं। तो मैं बहुत ख़राब हो गया था। अब आगे जाके मैं जितना कि आगे जा रहा था वो ट्रैक खूबसूरत होता जा रहा था। इतना खूबसूरत ट्रैक मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो मैंने कहा कि मैं नहीं रुक सकता, मैं आगे जाता रहूँगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल था कि या अब कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मैं आगे बढ़ता रहा और रास्ता आगे बढ़ता रहा, तो जब मैंने देखा
कि अब बारिश शुरू हुई इस वक्त, और मैंने क्या मैं इस इंतज़ार में था कि मैं आगे जाऊंगा और किसी दुकान में या किसी जगह में मैं रुक के वहाँ मैं अपने आप को छुपाऊंगा बारिश से, लेकिन यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो मुझे बहुत बड़ा मसला हुआ। इस तरह के हालात से आप अपने आप को बचाते रहें। आखिरकार मैं इस मकाम पर रुक गया क्योंकि इधर कुछ बंदे खेत में काम कर रहे थे और अब बारिश बहुत तेज़ी के साथ फौरन बढ़ गया। तो उमूमन पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर मैं बहुत हैरान रह गया और मुझे पता चला कि हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। उन्होंने मुझे ओ ओ, ओ बारिश जैसी तेज़ हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, किसी से मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा चक्कर के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल इधर खड़ा करें, और फिर एक मिनट के बाद वो गायब हो गई। उन्होंने मुझे ये तक नहीं कहा कि चले हमारे साथ जाए, पता नहीं कि उनका कोई ठिकाना होगा, कोई जगह होगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे वैसे यहाँ छोड़ा। तो मैं बहुत हैरान रह गया। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में।